हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सिस्टी के टिवारिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है, आज मैं अपने वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरे गार्डन में कौन कौन से प्लांट हैं और उन सब का नाम बताऊंगी, और ये अप्रैल मंथ का पूरे गार्डन का अपडेट हो जाएगा या ओवरव्यू समझ लीजिए, ठीक है। तो सामने है हमारे ब्यूटीफुल से प्लांट कनेर, और इसके पीछे है मेरे डबल चांदनी की। इस पर फ्लावरिंग होती रहती है रुक रुक के, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें से, मैं आपको बता नहीं सकती। और एक बार सारा गार्डन देख लीजिए, अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं, पूरे टेरेस पर बिल्कुल छाए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं आई है। 8 साढ़े 8 बजे के करीब मेरे टेरेस पर धूप आती है। तो यहाँ सदाबहार है, डबल बैकबोन है, एलोवेरा है, यहाँ हमने रजनीगंधा के बल्ब लगाए थे, ये भी सदाबहार है। मेरा मनी प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग ग्रो की थी आपके सामने ही, मोस्ट रोज की, तो ये बहुत अच्छे से चल पड़ी है। ये देखिए फाइकस की वैरायटी है, ये मनी प्लांट है, सदाबहार है, जेड प्लांट है, और ये हमारा लेंटाना है। ये वही प्लांट है जिस पर 3 कलर के फ्लावर आते हैं, ये आपके सामने ही मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए 1, 2 एंड 3, देखा आपने, तो 3 तरह के फ्लावर इसी प्लांट पर आते हैं। और ये है मेरा देसी, जिसको हम बोलते हैं पत्थर चट्टा की बेल, और इस पर देखिए अभी तक फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, दिसंबर मंथ से अभी तक इस पर फ्लावरिंग हो रही है। और छोटे छोटे ऐसे कंटेनर में शैम्पू की बोटल्स हैं, तो इनमें मैंने लगाया है अपना मनी प्लांट। ये देखिए बहुत अच्छा मनी प्लांट इसमें चल रहा है, ये स्पाइडर प्लांट की ही वैरायटी है। और यहाँ देखिए, ये है मेरी रात की रानी का प्लांट, और मैं दिखाऊँ आपको आगे को जाके, तो इसमें फ्लावरिंग जो है वो अभी स्टार्ट होने वाली है। ये मैंने बिल्कुल ग्रिल के पास रखा है, तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। और ये हमारा है ड्रेसिना फैमिली का प्लांट, आगे हमारा कोलियस है, इसमें हमारा स्नेक प्लांट है और मनी प्लांट लगा हुआ है, और जितने भी हैंगिंग बास्केट है सब में मेरे लगे हुए हैं मोस्ट रोज, और हमारा सिंगोनियम मोस्ट रोज ही मोस्टली मैंने लगाए हैं। ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी मोस्ट रोज है, इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है ये मेरा स्पाइडर प्लांट, और इसी में मेरी चल रही है ट्रम्पेट वाइन की बेल, ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं, ठीक है। और ये है मैक्सिकन पिटूनिया, ठीक है। और ये 2 कंटेनर जो हैं, इनमें मैंने लगा रखा है अपना सभी का फेवरेट मनी प्लांट, और मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ये देखिए, एक दिन मैंने तपती धूप में यहाँ पर अपराजिता का एक नन्हा सा पौधा था, कहीं से मैंने निकाल कर इसको यहाँ लगाया था। देख रही थी कि इस टाइम भी अगर मैं किसी चीज़, इतनी छोटा सा था ये, ठीक है, छोटा सा, बिल्कुल उंगली जितना भी नहीं होगा, तो मैं ये देखना चाहती थी कि ये सक्सेसफुली लगता है या नहीं इतनी तपती धूप में। अप्रैल में आप समझ ही सकते हो कितनी धूप हो जाती है, तो ये सक्सेसफुली लग चुका है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते रहा कीजिए। यहाँ साइड में मेरा गुलमोहर है, और यहाँ है हमारी मधुमालती की बेल। तो देखिए, मधुमालती की बेल में अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, आप सबकी किसी की भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई हो मधुमालती पे तो कमेंट के थ्रू मुझे बताना, ठीक है। और ये बिग कंटेनर 500 लीटर की हमारी कैन है, पानी की टंकी है, कैन तो नहीं बोलूँगी, पानी की टंकी है, जिसमें मैं कंपोस्टिंग कर रही हूँ, पूरी भर चुकी है, बट अभी मैंने इसको छोड़ दिया है कि थोड़ा सा इसका कंपोस्टिंग का प्रोसेस हो जाए, उसके बाद मैं इसमें प्लांट लगाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स, या सीड लगा दूँगी। तो देखिए, हम वापस उसी एरिया में आ गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत किया था। ये देखिए, ये है बल्ब से ग्रो किए हैं मैंने, और ये है ट्रम्पेट वाइन की बेल, ठीक है। पहले ऊपर का सेक्शन दिखा देती हूँ, डबल बैकबोन रखा है मैंने सारा का सारा आगे की तरफ, ये देखिए, देखा फ्रेंड्स। तो किसी व्यूअर ने मुझे बोला था कि एक ही तरह के प्लांट लगाओगे तो अच्छा लगेगा, तो आई होप फ्रेंड्स जिन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की थी मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया था, और मैंने उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। और यहाँ देखिए, ये देखिए पीछे की तरफ एक मिर्च का प्लांट अपने आप ग्रो हुआ है, और मैंने इसमें लगाई थी हल्दी, ठीक है, हल्दी उसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई थी, मैंने निकाल के देखा था। और यहाँ पीछे देखिए, ये है हमारा ग्लोई बेल चल रही है, पीछे कनेर है, आगे चंपा है, और यहाँ हमारे ये देखिए मोगरा है, फाइकस है, और ये है हमारा ये मैंने इसमें लगाया था मजनू लैला का प्लांट, तो इसकी हालत जो है अभी ठीक नहीं है। और ये एक्सोरा है, फाइकस है, और वहाँ पर वो है जो वो लिली की वैरायटी है, स्पाइडर लिली की तरह, स्पाइडर लिली बोलते हैं उसे, तो उसमें प्लांट आता है। ये मैंने कटिंग लगाई थी, डबल बैकबोन की आराम से चल रही है अपराजिता, देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से फैल रही है सभी जगह, ये देखिए। और ये भी अपराजिता है, कटिंग के थ्रू ग्रो की थी मैंने, और देखिए कितनी लंबी चली गई है, और जितनी भी टिप होती है ना इसकी सभी जगह फ्लावर आते हैं, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो पीछे की तरफ ये देखिए, ये तो डे लिली है, और ये मैक्सिकन पिटूनिया है, और ये वाले जो दोनों हैं ये बल्ब हम मैंने लगाए थे
हमारे स्पाइडर प्लांट के, तो इनके बहुत सारे बेबीज़ निकले थे, वो भी मैंने इसी में लगा दिए थे। दो इसमें लगाए हैं, इसमें सिंगल छोड़ दिया था। कनेर का प्लांट है, ट्रम्पेट वाइन है, कपूर तुलसी, कपूर तुलसी लगा के देखिए फ्रेंड्स, ये ज़रूर ग्रो होती है। और ये देखिए बिन बुलाए मेहमान है, इसमें हमारा लगा था कॉक्सकॉम का प्लांट, वो सूख चुका है, झड़ चुका है, तो ये मिर्च के प्लांट अपने आप ग्रो हो गए हैं। जैसे लाल मिर्च घर में होती है, उसको हम सुखा देते हैं तो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। और पीछे की तरफ भी मैंने कुछ बल्ब लगाए थे, ये देखिए सक्सेसफुली लग चुके हैं सब। और ये देखिए मैंने चंपा का बड़ा प्लांट, ठीक है, मरुआ तुलसी है, इसकी वजह से पोलिनेशन जो है बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मोगरा, इस पर फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ मैंने लगाया था अपना स्वीट पोटैटो, जो एक मैंने एक दिन देखा हमारे गार्डन में चूहा आ रहा था, तो चूहे ने इसको सारा ख़राब कर दिया था, वो रोज़ आकर इसी के ऊपर सोता था, ठीक है। तो चलिए दूसरी साइड चलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लगाया था अपना पोई साग, इसमें हमारा लगा हुआ है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए ब्रिंजल के प्लांट लगे हुए हैं, सीड ग्रो किए थे मैंने आपके सामने ही, ठीक है। ये स्पाइडर प्लांट है, इरांथिमम है, सबकी जगह जो है मैंने अभी शिफ्ट कर दी है। और ये देखिए छोटी सी इसमें मटकी में मेरा जेड प्लांट लगा हुआ है, परमानेंट प्लांट है और धूप वाला प्लांट है। ये कनेर है, कटाई छटाई करने के बाद काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये है डबल चांदनी और फ्लावर, देखिए जी करता है इसको खा जाऊँ मैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और ये है हमारा करी पत्ता, तुलसी जी हैं मेरे गार्डन में, तुलसी जी के प्लांट जो है वो सिर्फ दो ही हैं, एक कपूर तुलसी और एक वो नॉर्मल तुलसी मैंने आपको दिखाई। ये है जटरोफा, दूर जाके दिखाती हूँ, ठीक है, जटरोफा, ये देखिए रोज़ आज ये खिल जाएगा, ठीक है, येलो कलर का फ्लावर आता है। पीछे की तरफ ये दिखाऊँ मैं तो ये पपड़ी की प्लांट, सॉरी ये देखिए ग्वार की फली का प्लांट है ये वाला, ये अपने आप निकला था फ्रेंड्स, ऊपर तक जा रहा है, सपोर्ट मिल रही है इसको अच्छे से। और यहाँ मेरा ये अमरूद का प्लांट है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या चक्कर है, तो मैंने इसकी कटाई कर दी है। ट्रम्पेट वाइन है, यहाँ मेरे रखे हैं बोगनविलियास, और वहाँ पीछे की तरफ फिर वही स्पाइडर प्लांट है, ग्लोई बेल है, पीछे की तरफ भी स्पाइडर प्लांट नहीं है, स्पाइडर प्लांट स्पाइडर बल्ब है ये, ठीक है। और जेड प्लांट है, कुछ कटिंग्स मैंने लगाई थी, सक्सेसफुली लग चुकी है। ये थी हमारी सदाबहार की, इसमें भी ट्रम्पेट वाइन है और वेरीगेटेड हिबिकस है, जिसमें अभी भी जिसको बोलते हैं बड़ बनी हुई है, ये देसी वैरायटी है, अभी इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, स्पाइडर प्लांट है। और इसमें हमारा एक अमरूद का प्लांट चल रहा है, और ये पूरी साइड, ये तो ट्रम्पेट वाइन है जो नीचे से चल रही है दो गमलों में एक साथ, ठीक है। और ये पूरी वैरायटी पूरी एंड तक मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से लेके वहाँ तक, तो ये सारी की सारी मेरे फाइकस लगे हुए हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ जी, देखिए कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो ये है वो प्लांट बोतल ब्रश का, ठीक है, ये वाला बोतल ब्रश का प्लांट है। किसी को इसके ऊपर वीडियो चाहिएगा तो कमेंट करना, मैं ज़रूर बता दूँगी। स्पाइडर प्लांट भी लगे हुए हैं यहाँ पर, और हमारा ये देखिए मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, ये देखिए देख रहे हो आप, ये गिलहरी जो है इसे खा जाती है अच्छे से, ये देखिए ऐसे नोच जाती है। तो ऊपर की लाइन में तो सारे हमारे स्पाइडर और फाइकस ही हैं, तो नीचे आते हैं, ये दो मैंने बता दिए हैं। यहाँ देखिए मैंने लगाया था, आपके सामने ही ग्रो किया था, इसमें मैंने लगाया था ब्रिंजल, और ये मेरा है पोई साग, तो दोनों लग चुके हैं आराम से। यहाँ पर आगे की तरफ एक ब्रिंजल का प्लांट है, और ये है अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसका वीडियो शेयर किया था, कैना लिली, ठीक है। और ये भी देखिए मैंने कैना लिली ही उसी वीडियो में आपको दिखाया था ये वाला, तो ये मुझे किसी को देने हैं, अप्रैल में कुछ प्लांट मैं देती हूँ वही देने हैं मुझे, इसलिए अलग किए हैं। ये भी कैना लिली है, और ये एक 50 लीटर के मेरे पास चार कंटेनर है, तो चारों में अलग अलग चीज़ें लगी हुई है, इसमें घिया बेल है, इसमें सेम है, सॉरी गवार की फली है, और ये है हमारे, ये देखिए खजूर के प्लांट अपने आप ग्रो हो गए हैं, यहाँ अमरूद है, और ये है हमारा रमेश लाल का प्लांट उस तरफ था, वो मैं दिखाना भूल गई हूँ आपको, ठीक है। मरुआ तुलसी है, मोस रोज है, और यहाँ पर है हमारा ये वाला प्लांट जो है सिंगल प्लांट, ये है अमरूद का प्लांट, और ये पीछे की तरफ जो है वो मेरा पोई साग है, पोई साग की मुझे पहचान है तो वो पोई साग है। और यहाँ एक ही प्लांट है इसका अनार का, ठीक है। और यहाँ पर दो प्लांट है मेरे हिबिकस के देसी वैरायटी वाले, तो इनमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बडिंग नहीं हो रही है, ये इतना ज़िद्दी प्लांट है, मैं इसको रोज़ तेज़ वाटर से साफ़ करती हूँ, फिर भी इसमें जो वाइट कलर के मिली बग्स टाइप के होते हैं वो लगते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ मैंने कल इसमें लगाई थी कुछ कटिंग जो गिलहरी ने ख़राब कर दी है, मोस रोज की, ठीक है। पीछे की तरफ है मेरा गुलाब जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, बटन रोज जिसे बोलते हैं ना, ये वो वाला, इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और नीचे जाके मैं आपको दिखाऊंगी, अनार का भी प्लांट है वहीं पर। और ये देखिए ये है हमारा
हार सिंगार का प्लांट अच्छी ग्रोथ पे आ रहा है। और बर्ड दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इस वाली ब्रांच पे कितनी सारी बर्ड बनी हुई, ये सारी बर्ड हैं, ठीक है। तो फ्लावरिंग अच्छी होने वाली है। और ये देखिए ड्रम स्टिक का प्लांट है, ग्रोथ पर आ चुका है। यहीं पर हमने साइड में अनार की बेल लगा, सॉरी अंगूर की बेल लगाई थी, ग्रेप्स, तो वो भी चल रही है आराम से, ठीक है। और ये एक और हमारा अनार का प्लांट है, इसी में लगा हुआ है। और यहाँ है हमारा, ये हमारी है ग्वार की फली, ठीक है। अदरक मैंने आपके सामने ही ग्रो किया था, रिक्वेस्ट आई थी बहुत इसकी। तो ये है हमारा ब्रिंजल का प्लांट, ये देखिए आपको ब्रिंजल दिख रहा होगा, ठीक है। पीछे की तरफ इस वाले कंटेनर में ग्लोई बेल लगी हुई है और उसमें रोज़ वगैरह लगे हुए, पूरी लाइन जो है वो रोज़ की है, एंड वाले में ट्रम्पेट वाइन है। चलिए आपको दिखाते हैं। और ये कटिंग मैंने लगाई थी कुछ, ये लग चुकी है। ये है डबल चांदनी की और बुगनविलिया की, कनेर की कुछ चल रही है, कुछ नहीं चल रही, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और ये है हमारा, ये देखिए गोरी चोरी का प्लांट फ्लावरिंग होकर झड़ चुकी है। तो देखिए जब भी फ्लावरिंग हो जाए तो जो बीच में से स्टिक निकलती है ना फ्रेंड्स, आप उसको काट दिया कीजिए। और यहाँ देखिए डॉग फ्लावर, अब इनका सीज़न जा चुका है, तो मैं बस इनमें वाटरिंग कर देती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है। मैक्सिकन पिटूनिया बंचेस में फ्लावर आते हैं। और यहाँ देखिए ये एक प्लांट है, मैं काफ़ी वीडियो में बोल चुकी हूँ कि कोई मुझे इसका नाम बताए, लीव्स देख लो फ्रेंड्स, कोई नाम बताओ इसका, तभी तो वीडियो शेयर करूँ मैं इसका, ठीक है। और ये है हमारा ड्रेसिना फैमिली का प्लांट, काफ़ी लंबा था, मैंने इसे कट कर दिया था, एक जगह से कट किया तो दो जगह से इसकी निकली हुई है ब्रांचेस, ठीक है। इसी प्लांट में चार प्लांट हो गए हैं मेरे, ठीक है, एक प्लांट था उससे चार बन गए हैं। और यहाँ देखिए कोलियस की कटिंग लगाई थी मैंने, और शाबाश, ये देखिए ये बहुत अच्छा काम हुआ है। देखिए बहुत बार मैंने ट्राई किया है मधुमालती की कटिंग लगाने का, नहीं लगी, कभी नहीं लगी, ये फर्स्ट कटिंग है जो इस बार लगी है, ठीक है। ये भी कुछ कटिंग थी, अभी इनका कुछ भी प्रोसेस नहीं होता हुआ दिख रहा है मुझे, मैं इसको छोड़ दे रही हूँ अभी। यहाँ पीछे भी बहुत सारी कटिंग रखी हुई है, ये देखिए इस एरिया में ना मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए ही धूप आती है, तो सब छोड़ी हुई है। और देखिए हिबिकस की कटिंग, वो है वहाँ पर, लीव्स हटा देती हूँ मैं, ठीक है, वो हिबिकस की कटिंग अच्छे से लग रही है। और यहाँ देखिए ये है मेरा सारा का सारा एरिया जो है, ये है हमारा, ये देखिए क्रिजैंथेमम, ठीक है। क्रिजैंथेमम जो है वो अच्छी कंडीशन में है, मैं नीम ऑयल का स्प्रे जो है लगातार करती रहती हूँ एक दिन छोड़कर, तो ग्रोथ अच्छी है इन सब की, ठीक है। और ये हमारा मनी प्लांट है, और यहाँ भी कुछ जो प्लांट शिफ्ट किए हैं वो रखे हैं साइड में। और ये है मेरा चमेली का प्लांट और अपराजिता का प्लांट, दोनों ही एक ही गमले में थे, आप बोलोगे कैसे पहचान है, तो ये है चमेली, ठीक है, और ये है अपराजिता। अपराजिता की लीव्स बड़ी होती हैं, ये देखिए, और चमेली की लीव्स छोटी छोटी होती है, तो इस पर भी अच्छी खासी फ्लावरिंग होती रहती है हमेशा, बहुत सारी बर्ड बनी हुई है और फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो फ्रेंड्स देखिए सारा पूरा का पूरा गार्डन मैं आपको दिखा चुकी हूँ, यहाँ सेंटर में मेरा रह गया, ये भी दिखा देती हूँ। ये है चांदनी का प्लांट, ये मेरा कंपोस्ट बिन है, इसमें अपने आप ही कुछ कुछ ग्रो हो गया है। ये है मेरे कोलियस, कटिंग से ग्रो किए थे, शायद आपके सामने ही किए थे। ये एक बड़ा सा 18 इंच का पॉट है जिसमें मैंने ग्रो किया है ब्रिंजल, ठीक है, 18 इंच का है। और यहाँ पर हमारा था एक विंटर वाला प्लांट था पिटूनिया, वो जा चुका है और उसमें कुछ सीड ग्रो हो गए हैं, पोईसाक के ही लग रहे हैं मुझे, तो लीव्स हटा के दिखाती हूँ ये वाले, ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। और यहाँ मैंने हल्दी लगाई है इस वाले में, टैग लगा रखा है मैंने सामने, ठीक है, मरवा तुलसी। और ये है हमारा सदाबहार, और इसमें हमने ग्रो किए थे आपके सामने ही अरवी। और यहाँ पर है मेरे लौंग घिया वाला, तो घिया इसमें निकला हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बर्डिंग भी हो रही है इसमें, काफ़ी सारे बर्ड बने हुए हैं, आपको दिख रही होंगी सामने से। और ये एक घिया है जो सक्सेसफुली लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें हमारे करेला लगा हुआ है, और यहाँ पर है हमारी ट्रम्पेट वाइन, ये 12 इंच का पॉट है। और यहाँ पर देखिए हल्दी लगाई थी मैंने, सिर्फ एक ही प्लांट अभी तक निकला है। और ये है हमारा, ये देखिए काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं इसे बाद में सेट कर दूँगी। यह है ग्वार की फली, ये है हमारा करेला, और इसी में हमारा ग्रो हो रहा है मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट, ठीक है। इस तरफ आते हैं, यहाँ पर भी ग्वार की फली है, इस पॉट में 3 प्लांट लगे हैं, 18 इंच का पॉट है मेरा ये, तो 3 प्लांट चल जाते हैं, इससे ज़्यादा मत लगाना, नहीं तो प्लांट पे अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये है मेरा 20 लीटर का कंटेनर, और 20 से 22 लीटर का है, और इसमें भी मेरे 3 प्लांट जो हैं वो
ग्वार की फली के ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटे का बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसमें नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप मेरा वीडियो देख सको। तो फ्रेंड्स, कुछ खास रिक्वेस्ट हो किसी की तो ज़रूर भेजना, मैं उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।